तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में एसी की पाइपिंग कैसे होती है, जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान वगैरह में एसी की पाइपिंग कैसे होती है, घरों में एसी की पाइपिंग कैसे होती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक कमरे में आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 या 4 इंच का जो ये पाइप है, उसके बाद से इसमें एक 3-4 का भी ड्रेनेज का पाइप है, एसी का पाइप, और ये 3-4 इंच का पाइप है। वो किस लिए है कि आप बड़े वाले पाइप से आप कॉपर पाइप जो है ऊपर से प्रेस करके डाल सकते हैं, जैसे कि ये जो वॉल के अंदर से होते हुए पाइप जो है रूफ़ पे गया रहता है, रूफ टॉप यानी छत पे गया रहता है, वहाँ से आप एसी की पाइप डालेंगे तो यहाँ पे आके निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसकी पाइपिंग होती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ टूल्स हमारे पास दिखाई दे रहे होंगे और पाइप हमारे पास दिखाई दे रहे होंगे जो कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पाइपिंग की। तो यहाँ पे पाइप और वायर दिखाई दे रहा होगा। अब पाइप को हम सीधा कर लेते हैं। तो हम दोनों कॉपर पाइप को जो है जो मोटा और पतला वाला जो पाइप है, जो कि सक्शन और डिस्चार्ज के लिए जो या लिक्विड लाइन के लिए जो पाइप हम यूज़ करते हैं, वो दोनों पाइप को हम जो रोल से अलग करके सीधा कर लेंगे। देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हम फ्लोर पे रख के इसको स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। उसके बाद से जो है हम इसमें स्लू यानी इसका इंसुलेशन कवर है वो इसमें इसको पहना देंगे। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है पाइप को अभी स्ट्रेट कर लिया है, सीधा कर लिया है। अब हम इसमें इंसुलेशन कवर लगा लेंगे। देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपको इंसुलेशन कवर लगा लेना है। पूरा जितना भी आपको पाइप रिक्वायर्ड है, आप चाहिए तो माप कर सकते हैं, माप करके उसके बाद से आप इंसुलेशन कवर डाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही माप लिया है और उसके बाद से इंसुलेशन कवर डाल रहा हूँ। हमको पता है कि ये इतना पाइप की ज़रूरत है, इसलिए मैं पूरे में इंसुलेशन कवर डाल रहा हूँ। आप देख पा रहे हो इंसुलेशन कवर डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से जो है आपको टेपिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपको सक्शन और डिस्चार्ज का जो पाइप है, कॉपर पाइप, मोटा और पतला पाइप, दोनों में इंसुलेशन कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो एक बड़ा इंसुलेशन कवर लेके दोनों को एक ही में डाल लो। जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग आपको जो है इंसुलेशन कवर पाइप पे चढ़ानी होती है। उसके बाद से आपको वायर लगाने होंगे। वायर आपको कम्युनिकेशन का और पावर सप्लाई का दोनों वायर लगाना होता है। अगर आपका एसी में सिर्फ अगर पावर सप्लाई नीचे से है, अंदर से है, तो आप सिर्फ कम्युनिकेशन का वायर लगा सकते हैं। अगर आउटडोर से है तो कम्युनिकेशन का और पावर सप्लाई दोनों वायर लगा लेना है। याद रखना है कि जितना वायर ज़रूरत है उतना ही लगाना है। तो आप देख पा रहे होंगे उसके बाद से कुछ इस तरीके से आपको इसको टेपिंग कर लेनी है। देख पा रहे होंगे मैं ब्लैक टेप की मदद से इसकी टेपिंग कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आपको टेपिंग कर लेनी है। हम जो है कम्प्लीट इसकी टेपिंग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हम टेपिंग कर लेंगे। उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे अभी टेपिंग हो रही है। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं एकदम क्लियर स्मूथ टेपिंग कर रहे हैं। हम फुल टेपिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम आप चाहें तो कहीं कहीं पे भी टेप यूज करके कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। अब आपको जो मोटा वाला पाइप है, यहाँ पे देख पा रहे हो मोटे वाले पाइप से आपको अपने पाइप जो है जो कॉपर पाइप है जो आपने इंसुलेशन किया उसको अंदर डाल देना है, ताकि नीचे जितना रिक्वायर्ड है उतना लग जाए। जैसे नीचे आपको 1 मीटर तक रिक्वायर्ड होता है और ऊपर आपको जहाँ पे आउटडोर लगाना है वहाँ तक आपको पाइप ले लेना है। उसके बाद से आपको पाइप को कट कर लेना है, क्योंकि आप पाइपिंग कर रहे हैं अभी अभी इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो है पाइप कट करने के बाद जो है पाइप पर आपको टेप लगा लेना है, ताकि जो है आपके पाइप में जो है किसी तरीके का डस्ट, डर्ट या जो है एयर मॉइस्चर किसी तरीके का जो है कुछ भी अंदर ना जाए। ताकि अगर अंदर चला जाता है, अगर आप ऐसे ही एसी को चालू कर देते हैं, तो आपका एसी जो है जल्दी से जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए आपको मुंह पे उसके माउथ पे जो है टेप लगा लेना है। देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे पाइप को कट कर रहे हैं। अब देख पा रहे होंगे पाइपिंग भी आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। उसके बाद से आपको वायर भी कट कर लेने हैं जितना रिक्वायर्ड है। उसके बाद से मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ कि नीचे हमने कितना पाइप निकाला हुआ है। आप जितना रिक्वायर्ड है उतना निकाल सकते हैं, हमने 1 मीटर से कुछ ज़्यादा ही निकाला है। बाद में हमको जितना रिक्वायर्ड होगा उतना कट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम पाइपिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पाइपिंग हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है, और देख पा रहे हमने इसको बैंड करके कुछ इस तरीके से कर लिया। अब इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे तो हमको जितना रिक्वायर्ड होगा उतना कर लेंगे। उसके बाद हमने इसे क्लैंप एक तरफ से लगा के फंसा दिया, ताकि पाइप आपका टूटे ना। तो अब मैं आपको फाइनल पाइपिंग दिखा देता हूँ। देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से पाइपिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आप बहुत सारा चीज़ समझ गए होंगे कि दुबई, कतर या फिर सऊदी अरब या कुवैत में कुछ इस तरीके से पाइपिंग होती है। बोल सकते हैं कि गल्फ़ में कुछ इस तरीके से पाइपिंग होती है। ड्रेनेज के अंदर जो है आपको पाइप डालना होता है, कॉपर पाइप और एसी का पाइप, उसके बाद से इस तरीके से पाइपिंग करनी होती है। अब हम दूसरा एसी का पाइपिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि हम दो एसी की पाइपिंग के लिए आए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमको कंसील्ड पाइपिंग करनी है। यहाँ पर
तो हमने पहले ही पाइप को स्ट्रेट कर लिया और यहाँ से हम देख पा रहे हैं होल की मदद से अंदर पुश करेंगे पाइप को। तो कुछ इस तरीके से हमको पाइप डाल लेनी है, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमको पाइप जो है डाल लेनी है। उसके बाद से मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, नीचे इसकी पाइपिंग कैसे दिख रही है। तो मैं कमरे में लेके चल रहा हूँ आपको, मैं दिखा देता हूँ कि नीचे इसकी पाइपिंग कुछ कैसे दिख रही है। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइप निकाल लिया। बाद में हम इसको बैंड कर लेंगे, जब भी हमको इंस्टॉलेशन करना हो पाइप को बैंड कर लेंगे बेंडर की मदद से। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हमने पाइपिंग की है। मैं आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको लंबा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो आप पाइपिंग देख के समझ भी जाएंगे कि पाइपिंग कैसे हुई है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये पाइपिंग कैसे हुई है, और जो भी सवाल हो गल्फ़ से रिलेटेड या फिर सऊदी अरब में किस तरीके से काम होता है, कुवैत में किस तरीके से काम होता है, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।